राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी 16 जनवरी से 21 जनवरी तक किन्नौर काजा ताबू प्रवास पर रहेंगे। आज राजस्व मंत्री सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जगांव में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और लोगों की विभिन्न समस्याओं को उनके घर द्वार के समीप सुलझाने के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है। लोगों की जन समस्याओं को भी सुना जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। राजस्व मंत्री ने कहा कि भाजपा का जनमंच लंच मंच था, लेकिन कांग्रेस की सरकार के मंत्री भी ग्राम सभा में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। क्या करते थे वो कि जैसे आपने तहसील से सर्टिफिकेट लेना है, आय प्रमाण पत्र भी लेना है, या ट्राइब का सर्टिफिकेट लेना है, या किसी ने किसी का इंतकाल होना है, तो ये काम सारे रोक देते थे। जैसे जनमंच रखना है तो किन्नौर में कहीं एक जगह पर रखेंगे, तब तक सारा काम रोक के रखते थे, या निचार ब्लॉक में एक जगह पर रखेंगे, तब तक सारा काम रोक के रखेंगे, और वो सर्टिफिकेट उस दिन जब चाहिए तब नहीं देंगे। तो अगर जनमंच होगा कोई 3 हफ्ते बाद, तो उस जगह पे आपको जाना पड़ेगा, फिर जाके वो जो है वो सर्टिफिकेट वहां देते थे। और उस दिन वो जो है लंच मंच के नाम से मशहूर रहा, लोगों को वहां पर कोई जो है उनके समस्याओं का निपटारा नहीं होता था। तो उस बात को हमने जो है अब हिमाचल की सरकार ने जनमंच कार्यक्रम को रद्द किया है, उसके जगह पे जो है सरकार गांव के द्वार जो है अब सरकार जो है आपके गांव में खुद आएंगे। अभी शुरुआत होना है, पहली बार ग्राम सभाओं में मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, वो अपने जो है विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में जाएंगे। इसी तरह से सारे मंत्री अपने अपने इलाकों में एक एक ग्राम सभा में हम कल जाएंगे, और ग्राम सभा में जाकर हम ग्राम सभा को भी अटेंड करेंगे, और उसके बाद फिर आसपास के जितने भी लोग वहां आ सकते हैं उनकी जन समस्याओं को वहां पर सुनेंगे। ये कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश के 68 हमारे जो विधानसभा के क्षेत्र है उसमें होगा, ताकि लोगों को उनके घर द्वार जो है हम सरकार के सारे अधिकारी जाकर जो भी उनकी समस्या है उसका निपटारा जो है हम करने जा रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए रिकॉर्ड पीओ से जीता सिंह, नेगी की रिपोर्ट।